फैसला क्यों लिया गया ये मंत्री जी बता रहे थे, लेकिन चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा का संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतुराज, एक बड़ा फैसला लिया गया है, हालांकि फर्स्ट इंडिया ने इसे लेकर पहले ही कहा था कि भले ही डायरेक्ट चुनाव की बात करें लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, इस पर फैसला होगा और आज ये फैसला लिया गया। क्या कारण नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, 2009 का हवाला दिया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे किया, लोगों से पूछा गया, ज्यादातर लोग इसके खिलाफ है, वो चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव ही हो। क्या यही वजह एकमात्र है इस फैसले पर कायम रहने के लिए? देखिए, जो मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी ब्रीफिंग में बताया उसके अनुसार यदि हम बात करें और एक बेस बनाएं, एक आधार बनाएं, क्योंकि सियासी कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेस बनाया है वो यह बनाया है कि आज देश में असुरक्षा का माहौल है, जो अशांति का माहौल है और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन जगह जगह देखने को मिलते हैं। कई बार हम बहुधा ये देखने को मिलता है कि एक वार्ड में यदि कोई सांप्रदायिक आधार पर घटना हो गई तो उसका पूरा शहर में असर होता है। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से यदि चुनाव होगा तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, यह एक बात कही गई। दूसरी बात यह भी कही गई कि सियासी अगर तरीके से देखें तो पिछली बार जब जो अप्रत्यक्ष तरीके से ये हुआ था, प्रत्यक्ष तरीके से जब ये हुआ था तब कांग्रेस का मेयर बने थे, जबकि कांग्रेस की संख्या 20 से 25 थी जयपुर में, और जो बीजेपी की संख्या थी वो कहीं ज़्यादा थी। तो आए दिन झगड़े होते रहते थे, विवाद होते रहते थे और एक तरह से नेतृत्व वो अपना नहीं समझते थे, नेतृत्व की तस्वीर नहीं देखते थे पार्षद अपनी, कि कोई जो मेयर है वो खुद पार्टी का है या बहुसंख्यक नेतृत्व वाला है। तो ऐसे में ये विवाद से बचने के लिए कई कई बार बोर्डों की बैठक नहीं हुई, बोर्डों का नियमित कार्य संचालन हो, बैठकें नियमित हो, जो शहरी निकाय हैं उनके जो आर्थिक तंत्र है वो मजबूत हो, तो इस सब के लिए प्रशासनिक दृष्टि से वो मजबूत हो, इन सब के लिए यह व्यवस्था की गई कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। एक बात धारीवाल ने यह भी कही कि पार्षद जो अभी टिकट के दावेदार हैं वे और जो पार्षद अभी मौजूदा हैं वो उन सब में यही एक बात कहीं ना कहीं पनप कर सामने आती है कि जब अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो तो वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि वो जनता का सीधा चुनाव होता है। तो यदि उनके द्वारा कोई कहा गया विकास कार्य है या कोई बात है तो वो उनकी बात नहीं मानते, उसको एजेंडे में नहीं लेते।